हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आप पहुंचे हैं। अगला हम लोग का प्रश्न है निम्न श्रेणी के जंतु में श्वसन, और उससे पहले हम लोग का टॉपिक है विभिन्न जंतुओं में श्वसन की क्रिया एवं श्वसन अंग। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, उनका श्वसन अंग क्या है। तो सर्वप्रथम हम लोग का टॉपिक है निम्न श्रेणी के जंतु में श्वसन। निम्न श्रेणी के जंतु में श्वसन, देखिए निम्न श्रेणी के जीव होते हैं एक जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशिया, हाइड्रा, ये सब निम्न कोशिकीय श्रेणी के जीव हैं। तो देखिए निम्न श्रेणी के जंतु में श्वसन, थोड़ा ध्यान देना है, निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान। गैस कौन कौन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या तो लेना या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना या CO2 लेना या ऑक्सीजन छोड़ना, क्या कौन कौन गैसों का आदान प्रदान होता है, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में श्वसन या गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली द्वारा विसरण क्रिया से होता है। देखिए तो निम्न श्रेणी के भी जो जीव हैं उनमें क्रिया किस क्रिया द्वारा हो रहा है, विसरण के द्वारा। किस क्रिया के द्वारा, विसरण, विसरण यानी गैसों को मिलाया जा रहा है, तो विसरण क्रिया के द्वारा हो रहा है। कोशिका अंग क्या है, कोशिका झिल्ली। तो आपसे सेटर तैयार रहेगा, एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में जो श्वसन है वह किस क्रिया द्वारा, तो विसरण क्रिया द्वारा। श्वसन अंग कौन है, तो कोशिका झिल्ली ही उसका श्वसन अंग होता है। किसको में, एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में। अमीबा एवं पैरामीशिया श्वसन में किन किन गैसों का आदान प्रदान होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस का आदान प्रदान होता है। श्वसन में किन किन गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, चाहे किसी जीव में श्वसन या पेड़ पौधों में श्वसन क्यों ना हो। गैस केवल दो ही प्रकार के होते हैं, CO2 या ऑक्सीजन। तो आशा करते हैं आप एक कोशिकीय जीव अमीबा और पैरामीशिया के समझ पाए होंगे। इसी में दूसरा है निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव, ध्यान दीजिए बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में, बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। तो हाइड्रा में भी श्वसन किस क्रिया से, विसरण क्रिया से। शरीर का कौन सा अंग होता है, तो शरीर के सतह के द्वारा ही होता है। तो निम्न बहुकोशिकीय जीव, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसमें शरीर के सतह से ही गैस का आदान प्रदान मतलब निकलता है या अंदर आता है। बहुकोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली के द्वारा ही विसरण क्रिया हो पाता है। तो आप जरूर समझ पाए होंगे कि निम्न श्रेणी के एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशिया में श्वसन कैसे होता है, कौन सा अंग होता है, यह कोशिका झिल्ली अंग है। क्रिया कौन है, विसरण क्रिया है। बहुकोशिकीय जीव हाइड्रा में श्वसन शरीर के किस अंग द्वारा, तो शरीर के सतह द्वारा, शरीर के सतह द्वारा। और क्रिया कौन, विसरण। तो निम्न श्रेणी के जंतु अमीबा और पैरामीशिया में विसरण द्वारा श्वसन होगा, लेकिन कौन अंग काम करता है, तो अमीबा और पैरामीशिया में कोशिका झिल्ली काम करता है, हाइड्रा में कौन काम करता है, शरीर के सतह द्वारा श्वसन होता है। किन किन गैसों का आदान प्रदान, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस का। हम लोग का अगला टॉपिक है उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं क्यों। आपको सेटर क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है मनुष्यों में श्वसन के लिए, मनुष्यों में श्वसन अंग विकसित होता है क्यों, मछलियों में, जानवरों में श्वसन अंग विकसित होता है क्यों। तो आपको वही समझना है, उच्च श्रेणी हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आइए समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़े थे कि श्वसन वास्तव में वह क्रिया है जिससे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन वास्तव में वह क्रिया है जिससे शरीर में किसका निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। और वही ऊर्जा हम लोग के शरीर में एनर्जी देता है, वही ऊर्जा से हम लोग कार्य करते हैं और जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। तो जो उच्च श्रेणी के जीव है उनके शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है जिससे वे कार्य करते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग क्यों होते हैं या श्वसन अंग विकसित क्यों होते हैं, तो सुनिए ध्यान से। उच्च श्रेणी के जीव मनुष्य, गाय, घोड़ा, मछली, सर्प, तिल, चट्टा इत्यादि, मतलब जितने भी जीव जंतु है, सर्प है, घोड़ा है, गधा है, शेर है, बाघ है, चीता है, पशु पक्षी, सब जितने जीव है, सब जिसको हम लोग देख पाते हैं उन सब में
कीड़े मकोड़े हैं उन सब में अमीबा और पैरामिशिया इतने छोटे जीव है कि हम लोग उनको देख नहीं सकते हैं, नहीं ऐसे कल्पना कर सकते, लेकिन इनको हम लोग समझ सकते हैं। इन लोग को हम कितनों भी छोटा जीव हम लोग देखते हैं तो वो तो बहुकोशिकीय ही होगा और उच्च श्रेणी के जंतु होगा, कीड़ा मकोड़ा भी होगा, सांप भी होगा, चींटी भी होगा, वह भी उच्च श्रेणी का जंतु है। इस बात का ध्यान रखे, छोटा चींटी भी है तो उच्च श्रेणी का है, बाघ या मनुष्य या जानवर या गाय गधा घोड़ा हाथी कुत्ता कुछ भी है तो उच्च श्रेणी का ही जीव है। उन सबको जिंदा रहने के लिए जीवन में कार्य करना पड़ेगा, कार्य करने के लिए उनके शरीर से ऊर्जा का खपत होगा और उस ऊर्जा के लिए उन्हें श्वसन करना होगा जिससे ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आइए हम लोग अपने सवाल पर चलते हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग होते हैं क्यों? तो उच्च श्रेणी के जीवों में दैनिक क्रियाकलापों के लिए, मतलब उनके जीवन में जो कार्य करना होता है उनके लिए, उच्च श्रेणी के जीवों में दैनिक क्रियाकलापों के लिए मतलब जीवन में कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसके कारण इनमें श्वसन अंग विकसित होते हैं। मतलब ये हम लोग के शरीर में अधिक से अधिक काफी ऊर्जा की आवश्यकता होता है हम लोग के जिंदा रहने के लिए। आप लोग को पता होगा कि हमने दिखाया था ग्लूकोज के एक्शन से कितना ज्यादा हम लोग के शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है, तभी तो हम लोग ऊर्जा खत्म होगा, हम लोग कार्य करते रहेंगे, ऊर्जा नहीं रहेगा, जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप जरूर समझ रहे होंगे कि हम लोग के शरीर में श्वसन अंग क्यों आवश्यक है, तो जिससे ऊर्जा का निर्माण हो सके। श्वसन करेंगे तो ऊर्जा का निर्माण होगा, अधिक से अधिक ऑक्सीजन आगे जाएगा जिससे अधिक से अधिक ऊर्जा बनेगा। तो उच्च श्रेणी के जीवों में दैनिक क्रियाकलापों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है जिसके कारण इनमें श्वसन अंग विकसित रहते हैं, जिनसे श्वसन के कारण ऊर्जा का निर्माण होता है। क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग के शरीर में प्रवेश करता है, वहाँ ग्लूकोज के अणुओं का विखंडन होता है जिससे ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप यह जरूर समझ पाए होंगे उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन अंग क्यों होते हैं। तो हम लोग का उत्तर है कि उच्च श्रेणी के जितने भी जीव हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए दैनिक क्रियाकलापों के लिए काफी ऊर्जा की आवश्यकता होता है जिससे श्वसन अंग विकसित होता है। उस श्वसन अंग से शुद्ध ऑक्सीजन ग्लूकोज से जाके मिलता है जिससे काफी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रमुख जीवों का श्वसन अंग। तो आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग देखेंगे उच्च श्रेणी के जीव है उनका श्वसन अंग क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए उच्च श्रेणी के जीव इसका श्वसन अंग, तो कीड़ा, तेलचट्टा, टिड्डा। तेलचट्टा को कॉकरोच और टिड्डा को ग्रास हॉपर भी कहा जाता है। कीड़ा, तेलचट्टा, टिड्डा और कोई भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं श्वसन करते हैं ट्रैंकिया या श्वास नली से। किससे श्वसन करते हैं? ट्रैंकिया या श्वास नली से। मछली किससे श्वसन करते हैं? गिल्स या गलफड़ा से, गिल्स जिसको हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं। मनुष्य, सर्प, कछुआ, लिजर्ड, मेढक, जानवर, मगरमच्छ इत्यादि ये सब किससे श्वसन करते हैं? तो फेफड़ा, लंग्स यानी फेफड़ा से श्वसन करते हैं। तो आप इस बार इसको श्वसन अंग को जरूर से जरूर याद रखें। नोट, मनुष्य मैमोलिया वर्ग एवं मेढक एमिफिमिया वर्ग का जीव है। मनुष्य किस वर्ग का जीव है? मैमोलिया वर्ग का, जबकि मेढक एमिफिबिया वर्ग का जीव है। तो आपको लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। एक और उपयोगी प्रश्न पर ध्यान देंगे, मेढक एम्फीबिया वर्ग का ऐसा जीव है, ध्यान देंगे। देखिए मेढक तीन स्थितियों में, मेढक ऐसा जीव है जो तीन अंग से श्वसन करता है। कितने अंगों से? तीन अंग से। जब वह जल में रहेगा तो मुख से श्वसन करेगा, जब वह जमीन के ऊपर रहता है तो फेफड़ा से श्वसन करता है, जब वह जमीन में रहता है तो त्वचा से श्वसन करता है। आप सोच रहे देखे होंगे कि मेढक तीन स्थितियों में, पानी में भी रह सकता है, जमीन के ऊपर में भी रह सकता है और मिट्टी में भी रह सकता है। तो इस तरह से मेढक अपने तीन अंगों से श्वसन करता है। किसको किसको से? फेफड़ा से करता है, त्वचा से, मुख से। मेढक एम्फीमिया वर्ग का ऐसा जीव है जो फेफड़ा से जमीन पर, त्वचा से मिट्टी में, मुख से जल में श्वसन करता है।
तो आप जरूर भी याद रखें कि मेंढक में कितने प्रकार के श्वसन अंग होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार कहाँ कहाँ श्वसन करते हैं मैंने आपके लिए जरूर लिख दिया है, आप इस बार एक बार फिर से सुन लें। कीड़ा, तेलचट्टा और टिड्डा ट्रैंकिया या श्वास नली से, मछली गिल से या गलफड़ा से, मनुष्य, सर्प, कछुआ, लिझट, मेंढक, जानवर इत्यादि सभी सभी जानवर, गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, सभी फेफड़ा से। नोट, मनुष्य में मोलिया वर्ग का और मेंढक एम्फीमिया वर्ग का जीव है। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। तो अब हमें इस वीडियो के माध्यम से आपसे पुनः एक ऑब्जेक्टिव सवाल फिर से पूछ लेते हैं ताकि आपको अपना उत्तर देने में और भी आनंद आए। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आज का हमारा सवाल है, मेंढक कितने अंगों द्वारा, मेंढक कितने अंगों से श्वसन यानी गैसों का आदान प्रदान कर सकता है, या मेंढक में कितने श्वसन अंग होते हैं, मेंढक में कितने श्वसन अंग होते हैं, या मेंढक कितने अंगों से श्वसन कर सकता है। आज का हमारा सवाल है, मेंढक में कितने श्वसन अंग होते हैं या मेंढक कितने अंगों से श्वसन कर सकता है। चॉइस ए में है एक, चॉइस बी में है दो, चॉइस सी में है तीन, चॉइस डी में है कोई नहीं, मतलब नन ऑफ दीज। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा अपना राय हमें जरूर दें, हमें आपका उत्तर का जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इंतजार रहता है। तो आप अपना उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हमें आपके उत्तर का बहुत बहुत इंतजार रहता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप लाइक करना ना भूलें, इस लाइक बटन पर दबा दें और आप दोस्तों का शेयर बटन भी चिपें, शेयर बटन पर आप अपना हाथ क्लिक करें। और यदि आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और घंटी को भी दबा दे ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आगे मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।